ये यात्रा पिछले काफी दिनों से मेवात में होती रही है लगातार, नहीं और ये नहीं पुल मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि कानून के पालन से होती थी, सदैव लोग सहयोग करते थे, लेकिन अब की बार ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय का एक भी सहयोग में नहीं था। दूसरी बात, मामन खान की बात आती है, तो मामन खान जब सदन में बोल रहा था तो खाली भारतीय जनता पार्टी के ही नेता नहीं थे वहां, अदर पार्टी के भी नेता थे। एक भी व्यक्ति में जी इतना बल नहीं था कि खड़े होकर उसको रोक सके, केवल एक भारतीय जनता पार्टी के पटौदी के विधायक ने उनको टोका। मैं कहता हूँ डूब मरना चाहिए उन लोगों को, चुन चुन कर भेजा था उनको हरियाणा से। अगर उस दिन सदन में सभी ने खड़े होकर मामन खान को रोक दिया होता तो आज ये दंगे नहीं होते। मामन खान विजेंद्र जी, दंगे होने से, मामन खान दंगे होने से 1 घंटे पहले पोस्ट डालता है कि तुम्हारी लड़ाई मैं सदन में लड़ सकता हूं तो मैं ग्राउंड पे भी लड़ूंगा। कौन सी लड़ाई लड़वाना चाहते थे मामन खान जी? दूसरी बात, अगर ये लड़ाई मोनू मानेस और बिट्टू बजरंगी की होती तो पुलिस पर पथराव क्यों हुआ, पुलिस पर गोलियां क्यों चलाई गई, अलग अलग बड़ा जगह पर सवाल। आगजनी क्यों हुई, लोगों की दुकानों को टारगेट कर करके आग लगाने का काम क्यों किया गया, मरीज जिसको गोली लगी थी उसको लेकर एम्बुलेंस जा रही है उसको आग लगाने का काम क्यों किया गया? ये केवल सोची समझी साजिश थी। महंगे महंगे हथियार इकट्ठे किए गए, लोगों की छतों पर जो रेल की पटरी में बिछाए जाते पत्थर गोल, वो पत्थर इकट्ठे किए गए, एक दिन में नहीं होता। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को आप मोरा नहीं बना सकते। इनके इलियास ने कहा कि मेवात में आओगे तो चारपाई में जाओगे, इनके मामन खान ने कहा मेवात अगर आओगे तो प्याज की तरह फोड़ देंगे। अरे वो तो बात ज्ञान दे रहे थे, आपने वो तो भागवत की धर्मेंद्र कथा जी, कर आपने रहे सुना, थे। आपने उन्होंने हमारे मोनू मानेसर ने पूछा है, अपनी यात्रा में आने के लिए लोगों को आमंत्रित किया तो वो अगर दोषी मोनू हो गया। मानेसर